मैंने आपको 3 या 4 दिन पहले अमर खान और मुनीब भट्ट स्टारर बद्दुआ ड्रामे के बारे में बताया था। मैंने आपको ये बताया था कि इसकी शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है और इसके टीज़र को स्टोरी से बिल्कुल अलग-अलग शूट किया जा रहा है। मतलब आपको टीज़र में कोई स्टोरी रिलेटेड कोई भी चीज़ देखने को नहीं मिलेगी, जो शूट हो चुका है मवाद वो बिल्कुल अलग-अलग रखा गया। तो इसके टीज़र की शूटिंग हो रही थी और मैंने ये बताया था कि इसके टीज़र्स को इसी हफ्ते रिलीज़ किया जाएगा और वही हुआ कि हमारी न्यूज़ सच हुई और इसके पहले टीज़र को लॉन्च कर दिया गया। मैंने जब सुबह उठ के इसके टीज़र को देखा तो इसमें मुझे एक सबसे जो अच्छी चीज़ लगी, जिससे मुझे गूज बम्स आ गए, वो था इसका OST। राहत फ़तेह अली खां की आवाज़ में गाया गया ये OST मुझे, मतलब अब तक उनके जितने भी OST आए हैं उन सब में से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट लग रहा था। ड्रामास के जो OST होते हैं और जो मूवी का सॉन्ग होता है उनमें काफ़ी वाज़े फ़र्क नज़र आ जाता है लिरिक्स का, लेकिन OST एक सिनेमैटिक लेवल का OST था, मतलब एक मूवी का सॉन्ग लग रहा था। ये श्योरली ये OST इस ड्रामे को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट देने वाला है और इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा हिट होने में। अगर ये ड्रामा थोड़ा बहुत भी अच्छा हुआ, क्योंकि इसमें मोहसिन अब्बास हैदर भी है, अमर खान भी, मुनीब भट्ट भी, कास्ट अच्छी है, ये ड्रामा थोड़ा भी अच्छा हुआ तो ये इस साल का एक सुपर हिट या ब्लॉकबस्टर ड्रामा होगा। और अगर ये बुरा भी हुआ तब भी ये OST इस ड्रामे को हिट होने में शायद मदद करे। बाकी मुझे इस ड्रामे में जो चीज़ बुरी लगी वो थी अमर खान का मेकअप। उनका मेकअप काफ़ी ऑड और काफ़ी ओवर लग रहा था, जिससे वो मुनीब भट्ट के मुकाबले में थोड़ी एजड लग रही थी, मतलब वो पैर अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन बाकी जो लोकेशन थी, जो कलर थे, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे और काफ़ी अच्छी वाइब्स आ रही थी, आँखों को काफ़ी अच्छी लग रही थी वो सारी सिनेमेटोग्राफी। बाकी आप बताएं कि आपने टीज़र देखा है या नहीं और आप इस ड्रामे के लिए कितने एक्साइटेड हैं या आपको ये टीज़र कैसा लगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलता है अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।